आज का ये वीडियो केमिकल कंपाउंड्स एंड कलर्स पे का सेकंड वीडियो होगा। तो आज के वीडियो का जो पहला कंपाउंड है वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaOH का होल टू एस, कलर इसका व्हाइट होता है। फॉर्मेशन मैंने जो 10th एग्जांपल लिए थे कैल्शियम ऑक्साइड का था, वहां पे मैंने ऑलरेडी रिएक्शन करके बता दिया था। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद H2O तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में लिमिट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐड करते हो तो इसका कलर मिल्की हो जाता है, इसका कलर और मिल्की हो जाता है। बट अगर इसी कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में पास करते हैं तो ये फिर कैल्शियम बाई कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। ध्यान रखेंगे, कैल्शियम बाई कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड लिमिट अमाउंट में पास करवाने पे जो मिल्की हुआ, एक्चुअल में मिल्की हुआ कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से, फॉर्मेशन हो जाने से, ठीक है, ये पीपीटी के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। बट अगर उसी सॉल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में आपने CO2 पास करवा दिया तो वो फिर कलर डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। ओके, मिल्कीनेस खत्म होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट, काफी इंपॉर्टेंट है ये। कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला हो गया आपका Cb2SO4, कलर ब्लू कलर का होगा। इसको कई नाम से जानते हैं, ये देखते हैं। एक तो आप ब्लू विट्रियोल, इसको आप ब्लू विट्रियोल इस नाम से भी जानते हो आप, इसे आप ब्लू स्टोन, ब्लू स्टोन के नाम से भी जानते हो आप इसे। एक सबसे इंटरेस्टिंग थिंग कि ये जो कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। जनरली ये कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है, और इसी वजह से इसे ब्लू स्टोन या ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। अगर ये एनहाइड्रस फॉर्म में हो तो सिंपली ये एक व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है हमारा आयरन सल्फेट, वैसे यहाँ पे FeSO4 लिखा गया है ना, ये आयरन सल्फेट या बोल सकते हो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, कलर ग्रीन कलर का होगा। अब देखें इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है। अगर आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को डिसॉल्व कर देते हो तो ये आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और ये कॉपर सेपरेट हो जाएगा। ओके, अब देखें इस रिएक्शन में कलर भी चेंज हुआ। कॉपर सल्फेट का जो कलर था ये ब्लू कलर का था, यानी बोल सकते हो कि सॉल्यूशन का जो कलर था ब्लू था, बट व्हेन रिएक्ट विद आयरन कलर जो होता है ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। इन वीडियो के लास्ट में मैं इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर को भी लिखवा दूंगा, एक ट्रिक के जरिए आप उसे याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सोडियम ऑक्साइड, ओके, केमिकल फॉर्मूला Na2O एंड कलर की बात कर ले तो व्हाइट कलर में होगा। इसे ये भी बोल सकते हो एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ NaOH, यानी सोडियम ऑक्साइड। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना उससे पहले ये सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म में रहा होगा, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये जो है सोडियम ऑक्साइड जो है, सॉरी Na2O, ये एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सिंपली ये भी एक मेटल ऑक्साइड है। तो बोल सकते हो कि जब सोडियम मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो ये Na2O फॉर्म करता है,
जो व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, जिस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड होता था। बात करें इसके रिएक्शन की, तो ये सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देता है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, तो सबसे पहले देखें सोडियम टू है दोनों साइड, फिर आपका ऑक्सीजन देख लें तो ऑक्सीजन वन और टू, ये थ्री है और इधर भी थ्री है, कार्बन भी, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। एक और रिएक्शन ले लेता हूँ मैं एसिड के साथ, एच सी एल के साथ, तो एन ए टू ओ रिएक्ट विद एच सी एल, इट गेट्स एन ए सी एल एंड एच टू ओ। नेक्स्ट हमारा सिल्वर नाइट्रेट ए जी एन ओ थ्री, कलर वाइट या ये कलरलेस होता है, क्लियर। बात कर ले रिएक्शन की AgNO3। जब AgNO3 का रिएक्शन कॉपर के साथ होता है, देन कॉपर नाइट्रेट और यहां पे Ag सेपरेट हो जाएगा। इस रिएक्शन को सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो बोलोगे ही, साथ ही देखो इस रिएक्शन में कलर भी चेंज होता है, ये आपका कलरलेस है, बट कॉपर नाइट्रेट का जो कलर होता है वो आई थिंक ब्लू कलर का होता है, क्लियर। तो देखो यहां से कलर भी चेंज हुआ, इसलिए रिएक्शन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड AgCl, व्हाइट कलर में होगा। अब बात करें AgCl की, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज हो जाता है। मतलब क्या है कि अगर AgCl को सनलाइट में रख दिया जाए तो Ag और Cl2 ये सेपरेट हो जाते हैं। अब ये Ag के फॉर्मेशन होने की वजह से इसका जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है, कलर जो है ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसे सनलाइट से बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि ये एक्सपोज होकर के ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है, जहां पे जो एनर्जी हम दे रहे हैं डिकम्पोजिशन के लिए वो सनलाइट है, हीट है। इस रिएक्शन का कभी कभी यूज पूछ भी दिया जाता है, तो एक यूज लिख लें आप कि इसका यूज जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है, मतलब इस रिएक्शन का यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर नाइट्रेट NaNO3। बात करें कलर की, तो कलर इसका व्हाइट होता है। NaNO3 को चिली सॉल्ट फिल्टर भी कहा जाता है, ओके। तो NaNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिस तरह से HNO3 भी होता था, ठीक है, तो NaNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। बात करें ये कैसे फॉर्म होता है, तो वो रिएक्शन भी देख लें आप। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन HNO3 के साथ करते हो, तो NaNO3 प्लस H2O साथ में CO2 मिल जाता है आपको। वैसे ही अगर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवा दिया, तो फिर ये आपको NaNO2 प्लस H2O मिल जाता है। एक और रिएक्शन इसका Na2CO3 रिएक्ट विद HNO3, इट गिव्स, ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा इस केस में भी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या आप कार्बोनेट लेते हो और इसका रिएक्शन अगर HNO3 के साथ करवाते हैं, तो ये हमें सोडियम नाइट्रेट H2O और CO2 देगा। नेक्स्ट है हमारा कॉपर ऑक्साइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, केमिकल है बोल सकते हैं इसे, और ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड, सिंपली कॉपर को लेकर के आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो ये कॉपर ऑक्साइड होता है और इसके सरफेस भी एक लेयर बन जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर इसी कॉपर ऑक्साइड को H2O के साथ हीट कर दे, तो ये कॉपर अलग हो जाता है और H2O, तो फिर ये जो ब्लैक कलर है इस केस में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, अपने ओरिजिनल कलर में ही दिखाई देगा। अगला कंपाउंड हमारा लेड नाइट्रेट, देखो ये मैंने गलत लिखा है, लेड नाइट्रेट, तो PbNO3
होल्ड। बट इसका कलर जो मैंने ऑरेंज देखा है, ये ऑरेंज नहीं होता है, ये कलर आपका वाइटी कलर होता है, या फिर इसे कलरलेस बोल सकते हो आप। जब आप PbNO3 को हीट करोगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से लेड ऑक्साइड एंड NO2 साथ में O2 मिल जाता है आपको, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना आप लोग, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में PbO NO2। अब देखो ये जो होता है NO2, ये ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में ये गैस गैस की तरह रिलीज होगा, है ना, ब्राउन फ्यूम्स में ये रिलीज होता है। जब PbNO3 का डिकम्पोजिशन होगा तो लेड ऑक्साइड NO2 साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। यहां पे जो NO2 होगा इसका कलर होगा ब्राउन कलर, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसका कलर व्हाइट होता है, इसे आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलोगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसका फॉर्मेशन होता है जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कैल्सिनेशन प्रोसेस, कैल्सिनेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर पे किसी मेटालिक हाइड्रोक्साइड को आप हीट कर रहे हो, ठीक है, और लिमिट या हो सकते हो कि अब्सेंस ऑफ एयर, या एयर हो भी तो लिमिट अमाउंट में हो, इसी प्रोसेस को आप कैल्सिनेशन बोलते हो। तो कैल्सिनेशन जब होता है तो ये एयर टू ओ थ्री साथ में H2O ये बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका 20 तक